हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजसी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो आज फाइनली मतलब घूमने गए हैं, उसमें सूट पहन लिए हैं जो मुझे पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पता है कि हम वेस्टर्न वियर नहीं करते पर्सनल लाइफ में, सूट वगैरह ही करते हैं। तो देखिए कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। ये सूट है और इयररिंग्स भी बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए इंट्रो स्टार्ट कर दिए क्योंकि टाइम नहीं मिलता फिर, तो ब्लॉग पे बने रहिए, कंटिन्यू रहिए मतलब, और देखते रहिए क्या 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 कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। सो चलिए गाइस, आज का जो ब्लॉग है आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, ट्रस्ट में देखिएगा। अगर नहीं अच्छा लगा तो बोलिएगा। दोनों सेम सेम कलर पहनना है। चलिए हम लोग रेडी हो गए हैं। चलिए बैग पे लिया क्यों? चलिए होटल से बाहर निकल चुके हैं और सबसे पहले हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि हम लोग सुबह से कुछ भी नहीं खाए हैं। लेट था ट्रेन, आप लोगों को पता है, तो आने में ही लेट हो गया, तो कुछ खाए ही नहीं हम लोग। तो पहले होटल जाएंगे और कुछ खाएंगे। कभी कुछ नॉनवेज नहीं खाना है सुबह? हाँ नहीं, सब नॉनवेज। सो गाइस, चेन्नई का सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगता है केले के पत्ते पे खाना। और यहाँ हर एक होटल हो, छोटा सा ढाबा हो, कहीं भी हो, वो केला का पत्ता ही देते हैं खाने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है सच में, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा। और हम बहुत खुश हो गए थे जैसे ही केला का पत्ता मिला था ऐसे खाने के लिए। और इस तरीके से पानी मतलब करके और तब खाना चाहिए, मतलब एक तरीके से साफ़ हो जाएगा इसके लिए। तो वो उन लोगों बोले, मेरे को करने नहीं आता, मेरे हस्बैंड तो अब 4-5 साल चेन्नई में ही रहे हैं तो उनको सब पता है, तो वो मेरे को भी बता रहे थे कि इस तरीके से होगा। तो हम भी सीख रहे थे, देख रहे थे, वो भी मेरा यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये था, तो वो करके बता रहे थे कि इस तरीके से किया जाता है। फिर हम लोग जो ऑर्डर किए थे वो खाना आ गया और हम लोग वेज खा रहे थे। हम तो वेज ही खाते हैं, मेरे हस्बैंड और वो भाभी और वो जो हैं उनके फ्रेंड वो सब खाते हैं नॉनवेज। तो हम यहाँ पे मना किए क्योंकि हम लोगों को कहीं भगवान जी के पास जाना था, थंबनेल देखे होंगे, आदि योगी जी के पास जाना था, तो इसीलिए हम मना किए यहाँ पे कि कुछ भी नॉनवेज नहीं खाना है, वेज ही ट्राई करिएगा, खाइएगा लोग। तो यहाँ पे हम लोग वेज ही मंगाए थे, पनीर का सब्ज़ी और ये चपाती। तो और बहुत कुछ ये लोग मंगाए थे, पता नहीं क्या क्या था, सोडा और वो सब जो मेरे हम नहीं पीते वो सब, तो इसलिए हम मतलब नहीं मंगाए थे। वो दोनों लोग मंगाए थे एक दूसरे के लिए, एक मतलब दोनों एक खुद के लिए मंगाए थे, क्या क्या बोल रहे हैं। तो चलिए देखिए ब्लॉग को, अच्छा लगेगा आप लोगों को। यहाँ हम लोग कुछ कुछ बातें करके और खाना खा रहे थे, और मेरे हस्बैंड कैसे लग रहे हैं वाइट में ज़रूर बताइएगा, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जब वो वाइट पहनते हैं। तो यहाँ हम लोग कुछ कुछ बातें कर रहे थे, और क्या बातें कर रहे थे अभी फ़िलहाल तो याद नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसा बात था जो हंसी आ रहा था। फिर देखिए ये सोडा वो लोग मंगाए थे। नहीं हुआ देखा, आप खोलिए। फिर हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे बैठ के बस का, जिस बस से हम लोग को जाना था आदि योगी जी के पास। और बहुत ज़्यादा मतलब हम कैसे पहुँचे हैं वहाँ वो बस हम चारों जानते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा ना बस का, और उसके बाद बस में खड़े होके हम लोग गए हैं। और लाइफ में हम फर्स्ट टाइम इस तरीके से गए हैं, देख सकते हैं हम खड़े हैं और कैप्चर नहीं कर पाए ज़्यादा, क्योंकि गिर ही जाते, तो इसीलिए ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाए।
और यहाँ खड़े होके हम चारों लोग, देखिए पीछे मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड थे, यहाँ भाभी थी, हम सब लोग खड़े होके और फिर जा रहे थे। और करीब 2-3 घंटा का रास्ता था और हम लोग खड़े ही गए। बस लास्ट में 10 मिनट हम लोग को बैठने का मौका मिला, जब ज़्यादा जो पैसेंजर थे वो उतर चुके थे, तो यहाँ हम लोग बस 10 मिनट बैठे, हम भी बैठे, मेरे हस्बैंड को भी मिल गया था बैठने का, फिर उनके फ्रेंड को भी मिल गया था, भाभी को भी मिल गया था, हम सब लोग बैठ गए थे बस 10 मिनट के लिए। और बहुत मुश्किलों से हम लोग फिर पहुँचे आदि योगी जी के पास। फिर हम लोग पहुंच चुके थे और वहां इन करने के बाद सबसे पहले ये आया, तो हम लोग को लगा कि इधर ही से जाना है क्या। ये देख सकते हैं बनाया हुआ है ऐसे नाग टाइप और अंदर ऐसे भीड़ लगा हुआ था, तो हम लोग को लगा था कि इधर ही से जाना है, बट बाद में पता चला कि नहीं, यहां योगा क्लास होता है ऐसा कुछ होता है, तो इधर नहीं जाना था। तो फिर हम लोग यहाँ, मतलब किसी ने बताया कि उधर से जाओ, फिर हम लोग इधर से निकल गए और वहीं हम लोग देख रहे थे कि अब किधर से जाना है, तो फिर पता चला कि उधर से, मतलब दूसरा जगह है जाने का आदि योगी जी के पास, ये दूसरा चीज़ है। तो फिर हम लोग इधर से निकले, फिर हम लोग ये किए, यहाँ इतने सुंदर शंकर जी बनाए हुए थे, देख सकते हैं आप लोग, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने से। और यहाँ से स्टार्ट होता है आदि योगी जी के पास जाने का रास्ता। तो फिर यहाँ पे हम लोग सोचे कि एक बार ट्राई करते हैं ये बैलगाड़ी वाला, क्योंकि हम लोग लेट पहुँचे थे शाम में, तो सोचे थोड़ा टाइम बचे, बट कोई फ़ायदा नहीं था, ये तो पैदल हम लोग जल्दी पहुँच जाते, बहुत धीरे धीरे चल रहा था, देखिएगा आगे। और इस बैलगाड़ी पे बैठने के लिए हमें टिकट लेना पड़ता है, तो यहाँ टिकट काउंटर बनाया हुआ था, यहाँ टिकट शायद 10 रुपीज़ का पर पर्सन 10 रुपीज़ था। फिर यहाँ से टिकट लेने के बाद हम लोग देख सकते हैं, डर भी लग रहा था मेरे को, बट मज़ा आया, हाँ अच्छा लगा, लेकिन बहुत स्लो चल रहा था, इसलिए लगा कि इससे अच्छा हम लोग पैदल चले जाते और जल्दी पहुँच जाते। इस वाले पर हम लोग बैठे थे, तो पहुंच गया था, इधर धीरे धीरे कितने बजे पैदल जाएंगे के साथ उससे मैंने बोला ही ऊपर कर जगह है। अरे वो क्या लिखा है, सेव मट्टी बचाओ से नहीं राम बाबा राम से मैं सदर नहीं सुबह सुबह देखिए देखिए थोड़े से दिख रहे हैं पेड़ से छिपे, हाँ देखिए। सो गाइस देखिए यहाँ से दिख रहे थे आदि योगी जी और एकदम धक धक स्टार्ट हो गया था, सच्ची बोल रहे उस समय का फीलिंग्स एक अजीब सा ही फील हो रहा था, लग रहा था अरे बाप रे इस तरीके से, और यहाँ से पीछे से दिखने लगे थे। फिर यहाँ पे जो ये बैलगाड़ी वाले अंकल थे यहाँ छोड़ दिए थे आके, फिर हम लोग पैदल ही गए थे क्योंकि यही पेंट था, मतलब इसके बाद पैदल ही जाना था, इसके अंदर ये सब अलाउ नहीं था गाड़ी वगैरह। तो देखिए इतने, मतलब बड़े, इतने क्या बोले, मतलब अजीब सा एक
लग रहा था कि सच में वहाँ हैं शंकर जी, और सच में तो हैं ही, मतलब एक होता है ना मूर्ति नहीं है सच में विराजमान है, इस तरीके से महसूस हो रहा था क्योंकि सच में चारों ओर पहाड़ था और वही फीलिंग्स आ रहा था। और इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, नेक्स्ट आएगा या उसके बाद कभी भी आ सकता है वो, जब आदि योगी जी का जब लाइट ये हो रहा था रात में, तो वो इसीलिए हम इस वीडियो में नहीं लाए हैं, अलग वीडियो में लेके आएंगे कि आप लोग अच्छे से देख पाओ। तो चलिए देखिए, इंजॉय करिए, बहुत सारा ब्लेसिंग लीजिए भगवान जी से और देखिए। फिर यहाँ हम लोग उतर चुके थे बैलगाड़ी से और यहाँ से पैदल जाना था, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग व्यू कितना सुंदर लग रहा था, यहाँ सूर्य भगवान ऐसे दिख रहे थे, और देखिए अब तुरंत आगे से दिखने वाले हैं। मतलब आप लोगों को धक धक हो रहा है या नहीं बताइएगा, मेरे को तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि जैसे जैसे रिकॉर्डिंग कर रहे थे ना वैसे वैसे से मेरे को वहाँ दिख भी रहे थे, ऐसा नहीं था कि पहले देख चुके थे बाद में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ही था ये देखना ये सब एकदम सामने से। फ़ोटो वगैरह में तो बहुत पहले से हम लोग देख लेते हैं बट सामने से देखना पहली बार था, और यहाँ इतना सुंदर पहाड़ों के बीच जैसे सूर्य भगवान दिख रहे थे ना, बहुत अच्छा लग रहा था देखने से भी। फिर देखिए मतलब एकदम वो वाला फीलिंग्स है, सपना वाला, और मेरी बहन का तो यहाँ ड्रीम था आना कि यहाँ पे आए, देख सकते हैं एकदम कितने शानदार दिख रहे हैं ना, एकदम बहुत अच्छे। मतलब अभी भी हम ओवरवेस कर रहे हैं तो मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि हम कैसे बोलें, मतलब इतने अच्छे लग रहे थे यहाँ महादेव जी। तो चलिए देखिए, उधर उसमें चढ़ने का बोल रहे हैं, चलो चलिए वो लोग को देख रहे थे। ये प्रियंका का आप ना भी ले ओके फिर इधर आप फिर आएंगे सर। सो गाइस फाइनली हम इस जगह पे आ गए, और थैंक्स अपने हस्बैंड को जो मुझे लेकर आए, थैंक यू सो सो मच। देखिए यहाँ खड़े भी हैं, और सच्ची मेरे को पता भी नहीं था कि हम यहाँ आने वाले हैं, ये एकदम सरप्राइज था मेरे लिए, और ये जानते थे, और फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पे। और ये वाला सूट पहनने का एक और रीज़न है, मेरी बहन शंकर जी का महादेव जी का बहुत बड़ी भक्त है, और उसका भी ड्रीम था कि यहाँ पे आए, होता है ना मन में सोचना कि हम यहाँ पे आए, तो
इसलिए हम सोचे कि वो अभी नहीं आ पाई है, अगर हम जा रहे हैं तो उसी का दिया हुआ सूट पहनेंगे। यहीं शिवानी मेरे बर्थडे के दिन दी थी तो हम वही सूट पहन के आए, तो बहुत खुश हैं। देख सकते हैं महादेव जी से मिलके बहुत बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और फाइनली महादेव जी को हम देख लिए और बहुत खुशी मिल रही है। थैंक यू। सॉरी, नहीं जानते हैं कि हम इनका नाम भी है, वीडियो में देखेंगे तब पता चलेगा। ये भी फोटो ले रहे हैं। गाइज, यहाँ का दृश्य इतना खूबसूरत लग रहा है ना, चारों तरफ शंकर जी का तो कहना ही नहीं है, महादेव जी का वो तो हमेशा लगते हैं चारों ओर का। हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से कितना खूबसूरत नज़ारा है। सो गाइज, ये वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए इस और जो था पार्ट, जो लाइट वगैरह था, रात में हम लोग रुके थे जब शंकर जी पे 3D लाइट था, वो सब इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। और सच्ची वो रूप आप कभी नहीं देखे होंगे आदि योगी जी का, जो मतलब सामने से देखने पे इतना प्यारा लग रहा था ना कि बता ही नहीं सकते, बहुत ही प्यारा। तो चलिए, वो देखने मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, आ चुके हैं घर और बहुत अच्छा लगा घूम के, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि जो लोग चाहते हैं वहाँ जाना, वहाँ ज़रूर जाएं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा आपको महसूस होगा कि आप सच में महादेव को देख लिए हो, देख रहे हो साक्षात सामने, इस तरीके का फीलिंग्स आता है वहीं पर, बहुत अच्छा लगा जाके। तो एक बार ज़रूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।